हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। देखिए, इस अधिनियम को 2009 या हो सकता है 2010 भी बोला गया हो आपकी टेक्स्ट बुक में या सिलेबस में 2010 के अनुसार दिया हो। इसके दो कारण हो सकते हैं यहाँ पे, 2009 क्यों कहा गया है और 10। देखिए, ये अधिनियम जो है यानी कि RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये बन तो गया था देखिए 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, ये अधिनियम बन गया था, लेकिन यहाँ पे ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 हो या 9 की जगह 10 भी हो। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दो डेट्स। आपको इंट्रोडक्शन ऐसे ही स्टार्ट करनी है, सबसे पहले यही लिखना है कि 4 अगस्त 2002 को अधिनियम जो है वो संसद में, भारत की संसद में अधिनियम बन गया था और 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ। देखिए, अब समझना ज़रूरी है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आखिर है क्या। देखिए, किसी भी देश की ताकत और भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उस देश का भविष्य हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन बच्चों को शिक्षा मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए, दूर ना रह जाए। क्योंकि शिक्षा से दूर रहेंगे तो देश का विकास कभी नहीं हो पाएगा। बच्चों का विकास नहीं होगा, बच्चों का नहीं होगा तो देश का भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि शिक्षा जो है वो किसी इंसान को, किसी भी देश को तरक्की की तरफ लेकर जाती है, विकास की तरफ लेकर जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को जो है सही से शिक्षा मिले, चाहे वो कहीं पे भी रहते हों। ठीक है, तो देखिए, हमारे भारत में ये एज अ राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार बहुत लेट बना, अगर बाकी सब देशों के मुकाबले हम देखें 2009 में इसका आना। ठीक है, आज से लगभग आप लगा लीजिए 12 साल पहले, 13 साल पहले, सही बात। तो ये थोड़ा सा लेट रहा एंड बहुत ज़रूरी था, बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया गया। आखिर देर में ही सही, लेकिन इसका महत्व समझा गया और शिक्षा का अधिकार दिया गया हर एक जन को। तो देख लेते हैं इसके बारे में यहाँ पे क्या है ये। ऐसे में बच्चों के बालपन में उनका अच्छे से शिक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाले समय में देश के लिए अच्छे नागरिक बन सकें। पहले के ज़माने में शिक्षण का स्तर बिगड़ चुका था, अमीर के बच्चे ही अच्छी पढ़ाई कर पाते थे, तो वहीं दूसरी ओर गरीब का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल, ये आपने सुना भी होगा, देखिए अपने बुज़ुर्गों से या आपने इतिहास को पढ़ा है तो उसमें ये चीज़ आपने बिल्कुल देखी होगी। और देखिए, गुरुकुल वगैरह का भी टाइम अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी इसी प्रकार से होता था कि वहाँ पे होता था रिलीजन के हिसाब से। ठीक है, जो ऊंची जाति के लोग होते थे उनको पढ़ने का अधिकार होता था, जो ब्राह्मण होते थे, सही बात। और जो देखिए यहाँ पे एक गरीब वर्ग के थे और छोटी जाति से लोग थे उनको अधिकार नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू होती रही, बढ़ती रही। और हमने देखा कि भारत में देखिए आज़ादी मिलने के बाद 1947 के बाद भी ये चीज़ कैसे निखर कर आई कि अब जो है अमीर का बच्चा पढ़ेगा और गरीब के बच्चा जो था वो पढ़ाई से वंचित रहा, दूर रहा। तो ज़रूरी था कि सभी को एजुकेशन मिले, सभी को शिक्षा मिले, सभी को उसका अधिकार हो। तो इसलिए यहाँ पे यही देखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया। इससे पहले एक प्रावधान तो यहाँ पे था, ठीक है, वो अधिकार ये था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं उनके लिए यहाँ पे शिक्षा निःशुल्क थी और ज़रूरी थी, यानी कि फ्री थी और कंपल्सरी थी। ये अधिनियम तो पहले से था, ठीक है, आर्टिकल कौन सा 45 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ तो थी, अब लेकिन इसको राइट बना देना, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी था कि इसको एक अधिनियम बनाया जाए। राइट टू एजुकेशन, ये देखिए इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके बारे में, और इसी प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे। मैं हमेशा आप सबको एक ही बात बोलती हूँ कि देखिए बुलेट्स में लिखें, पॉइंट वाइज आंसर लिखें,
पैराग्राफ्स में जहाँ आपने आंसर लिखा वहाँ सोच लीजिए, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ एवरेज मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज आंसर लिखना, प्रॉपर हेडिंग्स को हाईलाइट करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत देश में सरकारी स्कूल में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी और इन सब का प्रबंधन स्कूल्स कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। देखिए ये कहीं ना कहीं पहले भी चल रहा था। पहले कैसे चल रहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये था अनुच्छेद 45 के अंदर, आर्टिकल 45 के अंदर, कि सभी बच्चों को जो भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हैं उनको प्रोवाइड कराई जाएगी, उनको दी जाएगी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि निशुल्क और ज़रूरी है, उनके लिए आवश्यक है एजुकेशन को, यानी कि शिक्षा को लेना। लेकिन इसको अधिनियम बनाया गया कब, 2009 में, जो लागू हुआ 2010 में, ठीक है। अब यहाँ पे हर सरकारी स्कूल में ये प्रबंधन होगा और इसका देखिए ब्यौरा कौन करेंगे, कौन इस बात का ध्यान रखेंगे, वो रखेंगे उस स्कूल की जो मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों में 6 से 14 वर्ष की आयु वाले गरीब बच्चे जो हैं उनके लिए 25% गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी होगी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो देखिए प्रॉपर ही फ्री और कंपलसरी यानी कि निःशुल्क कर दिया और साथ में उसको ज़रूरी आवश्यक भी कर दिया। अब यहाँ पे गरीब बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे 25% गरीब बच्चों को स्कूल एडमिशन देगा प्राइवेट स्कूल, और वो भी फ्री में, निःशुल्क बिल्कुल, ठीक है। यदि ऊपर बताए गए रूल्स को कोई स्कूल फॉलो नहीं करने पर वसूली नहीं करता है तो वसूली गई फीस से 10 गुना अधिक जुर्माना तथा स्कूल को मान्यता भी रद्द की जा सकती है। देखिए मतलब स्कूल पे तो जुर्माना तो लगेगा ही, मतलब उसने अगर फीस ली है मान लो 250 रुपये, ठीक है, एक लमसम मैं आपको बता रही हूँ, तो इसका 10% एक्स्ट्रा देना होगा स्कूल को, यानी कि 2500 देना होगा। अब इसको आप नंबर्स में बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो ये जुर्माना वहाँ पे कर दिया गया 10 गुना ज़्यादा, ठीक है। और साथ में स्कूल की जो मान्यता है, जो उसे देखिए स्टेट बोर्ड से मिलती है, CBSE से ऑथराइज्ड हो, या हरियाणा का स्कूल है तो हरियाणा बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से होगा, तो उसकी मान्यता भी जो है वो रद्द कर दी जाएगी, ये बात कही गई, वो जो कि बहुत अच्छा कार्य था। और आज के टाइम में आप देखेंगे तो 25% गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स एडमिशन देते भी हैं, EWS कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो, और इनको एडमिशन देना उनके लिए अनिवार्य है। मान्यता रद्द होने के बाद भी स्कूल संचालित करने पर 1,00,000 रुपये तथा इसके बाद रोज़ाना 10,000 रुपये जुर्माने के प्रावधान हैं। मतलब यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ रद्द कर दिया और उसके बाद कुछ नहीं, ये गवर्नमेंट है, बात नहीं मानोगे, जो अधिनियम है, अधिकार है, वो किसी के छीनोगे आप तो आपको और बड़ा जुर्माना होगा, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत देश के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की होगी, यानी कि दोनों की साझेदारी होगी, केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य यानी कि जो देखिए एक स्टेट की गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का ये साझेदारी का काम होगा। जैसे कि हम बात करें तो अभी केंद्र सरकार है BJP की, ठीक है, और राज्य सरकार जैसे हम बात करें दिल्ली के अंदर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो दिल्ली के अंदर हर एक बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिले जो 6 से 14 वर्ष की आयु का है और कंपल्सरी रूप से यानी कि आवश्यक रूप से उसे मिले, तो ये दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार यानी कि BJP और आम आदमी पार्टी दोनों को ही देखना होगा, ठीक है। हर स्कूल में लड़कों और लड़कियों के लिए स्वच्छ और अलग शौचालय होने चाहिए, शौचालय गंदे ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वी नो दैट नेचर कॉल है, दे हैव टू गो टू द वॉशरूम,
वहाँ जाना है उनको, 6 घंटे के लिए बच्चा स्कूल में आता है तो कम से कम 2-3 बार तो वॉशरूम यूज़ करेगा ही हर बच्चा, तो साफ़ होना चाहिए, वरना ये भी एक कारण हो सकता है कि बच्चे स्कूल में ना आए, सही बात। तो इसलिए इस चीज़ पर भी यहाँ पे बल दिया गया, स्कूलों को मुफ्त में पानी का पीना, मतलब पीने का पानी उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है, और वाटर कूलर्स होने चाहिए, एक्वा गार्ड होने चाहिए प्रॉपरली, ताकि जैसा मौसम है उस अनुसार बच्चों को पानी मिल सके और स्वच्छ पानी मिले, ठीक है। आगे, बहुत बार देश में देखा गया कि किसी कारण से बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन RTE एक्ट की मदद से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है तो वह अपनी उम्र के अनुसार प्रवेश ले सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए, आप ये सोचिए, एक बच्चा है जो 12 वर्ष का है, वो अभी तक स्कूल ही नहीं गया है, ठीक है, अब उसको 12 वर्ष की उम्र में वो एडमिशन लेना चाहता है स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे अब वो 12 वर्ष के बच्चे को KG में, नर्सरी में या फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसकी एज के अनुसार उसको जिस कक्षा में बैठना चाहिए, जिस उम्र के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे जिस कक्षा के लिए देखिए यहाँ पे सक्षम है, उसी में उसको बिठाया जाएगा, ठीक है। तो 12 वर्ष का बच्चा उसी कक्षा में बैठेगा, यानी कि 12 वर्ष का बच्चा देखिए 8th या 9th में डायरेक्टली एडमिशन लेगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे की गई। साथ में यहाँ पे जो विकलांग बच्चे हैं उन पे भी बहुत ध्यान दिया गया। इस एक्ट के तहत जो विकलांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र है को 14 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो देखिए यहाँ पे विकलांग बच्चों के लिए, ठीक है, उनके लिए बोला गया कि उनके लिए जो मुफ्त शिक्षा और आवश्यक शिक्षा है वो 14 वर्ष तक ही नहीं होगी, वो उनके लिए होगी 18 वर्ष तक, ठीक है। इस एक्ट में शिक्षकों का भी उल्लेख किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम के अनुसार कोई भी सरकारी स्कूल शिक्षक के अलावा अपना खुद का प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकता है, यानी कि जो भी एक गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, वहाँ पे वो क्या होगा कि वो अपना कोई भी प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं दे सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ी इसमें भी देखने को मिल रही थी कि वो सरकारी स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं और बच्चे तो देखिए आसपास के ही होते हैं, तो ट्यूशन्स पे जो हैं टीचर्स उन पे ध्यान दे रहे थे जिसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसा लेते थे, तो कुछ इन्हीं चीज़ों को देख कर गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया गया गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे RTE के क्या उद्देश्य हैं वो देखेंगे, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्या उद्देश्य हैं। इस एक्ट का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। प्रारंभिक शिक्षा देखिए कौन सी हुई, 1 से 8वीं तक की, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु का बच्चा आपको 1 से 8वीं तक मिलेगा, ठीक है। तो इसकी बात की गई यहाँ पे, 1 से 8वीं तक जो है उसको कंपलसरी किया गया एजुकेशन को, प्रारंभिक यानी कि आप लगा लीजिए प्राइमरी प्लस एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 1 से 5वीं तक की और 6ठी से 8वीं तक की प्राइमरी एजुकेशन की प्रारंभिक जो शुरुआती दौर की शिक्षा है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। साथ में देखिए यहाँ पे 9th और 10th की भी एजुकेशन ले और इवन बच्चे आगे भी पढ़े, ऐसा नहीं है सरकार चाहती है कि केवल 14 वर्ष तक ही बच्चे पढ़े, आयु तक पढ़े, नहीं, सरकार चाहती है आगे भी पढ़े, क्योंकि देखिए यहाँ तक जो बच्चा पढ़ेगा वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगा, ऐसा टीचर्स को करना है, सही बात। 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा कराना, ठीक है, मतलब हर एक बच्चे को देखिए प्रवेश मिले, एडमिशन मिले, ठीक है, एडमिशन मिले, उसकी साथ में अटेंडेंस हो, उपस्थिति हो स्कूल में, और उसको प्राइमरी शिक्षा जो आवश्यक है, ठीक है, वो मिले। ये आवश्यक क्यों है, देखिए हर एक इंसान को प्राइमरी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा वो एजुकेशन देती है, वो शिक्षा देती है जो उसको अपना बाकी का जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत आवश्यक है। धारा 6 के तहत बच्चों को पड़ोस के किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार है, जो भी उनके घर के आसपास है, जहाँ भी वो रहते हैं। यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि कमज़ोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे
बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सके, कि जो बच्चे हैं चाहे वो EWS कैटेगरी से आए या SC ST OBC कैटेगरी से हों। तो देखिए यहाँ पे देखा जाता था कि देखिए जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ तो कमज़ोर वर्ग को थोड़ा सा अलग करा जा रहा था सोसाइटी से, समाज से, तो बहुत ज़रूरी था वो भी आगे आए, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, तो उसका भी ख्याल बखूबी तरीके से रखा गया। इसको भी उद्देश्य यहाँ पे शिक्षा के अधिकार अधिनियम में डाला गया। अगला है, यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेट सपोज एक बच्चा है जो 8 साल की उम्र में एडमिशन लेना चाहता है, 12 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है और उससे पहले कभी उसने शिक्षा ली ही नहीं है, पढ़ाई की ही नहीं है, तो उसकी जो एज है, उसकी उम्र है, उसके अनुसार ही उसको कक्षा दी जाएगी। ऐसा नहीं है आप उस बच्चे को पहली कक्षा में ही उसका एडमिशन या प्रवेश दे रहे हैं। अगली बात, अगला उद्देश्य यहाँ पे है, यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्रावधान नहीं है तो छात्र को किसी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है, यानी कि ट्रांसफ़र का अधिकार है। ठीक है, अगर किसी स्कूल में प्रॉपरली प्रारंभिक शिक्षा नहीं है तो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई स्कूल है जो 6ठी से 12वीं तक का हो, ठीक है, अगर वो स्कूल 6ठी से 12वीं तक का है तो बच्चा 1 से 5वीं कक्षा तक कहाँ से पढ़ेगा? तो ऐसे में जो भी आसपास उस स्कूल में एडमिशन ना लेके जो भी प्रारंभिक शिक्षा 1 से 5वीं तक की दे रहा है वहाँ पे बच्चा जो है स्थानांतरण लेगा, एडमिशन निवेश वहाँ लेगा। निजी और अगला पॉइंट है, अगला उद्देश्य, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बीच बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। यानी कि देखिए जो स्पेशल स्कूल्स हैं, जो प्रॉपरली प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बात की गई कि जो है 25% जो है आप सीट्स रखें इन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या तो गरीब वर्ग से हैं। ठीक है, तो उनके लिए स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी बालक को प्रवेश देने से इनकार किया नहीं जा सकता है। यानी कि सोचिए एडमिशन्स कंप्लीट हो गए हैं या डेट निकल गई है एडमिशन की, तो उसके बाद भी अगर आप जाना चाहते हैं तो वो अधिकार है बच्चे का। ठीक है, आप उसको डिनाई यानी कि मना नहीं कर सकते हो कि नहीं हम एडमिशन नहीं देंगे। ठीक है, अगला है, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में दाखिले से रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल के निष्कासित किया जाएगा। यानी कि आप देखिए बच्चों को स्कूल से निकालेंगे नहीं और ना ही बच्चे को दाखिला देने से, जिस क्लास के अकॉर्डिंग वो है, उसकी उम्र है, उसमें एडमिशन लेने से, प्रवेश लेने से रोकेंगे। अगला और आखिरी पॉइंट यहाँ पर है, बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक यातनाएं विद्यालय में नहीं दी जाएंगी। यानी कि पनिशमेंट की बात की, कोई भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं, शारीरिक पनिशमेंट नहीं और ना ही मानसिक रूप से। ठीक है, तो ये चीज़ें टीचर्स को ध्यान रखनी है। और देखिए अब पॉस्को एक्ट है, उसके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। आज के बच्चों को आपको देखिए पनिशमेंट्स बिल्कुल नहीं देनी है, आपके ऊपर ना जाने कितने केसेस बन जाएंगे। ठीक है, तो जो कि देखिए उनका अधिकार है, वो बच्चे हैं, शैतानी तो करेंगे, हो सकता है देखिए आपसे बहसबाजी भी करे, उल्टा भी बोले, बट आपको उनको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है, यातनाएं नहीं देनी है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे की गई क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि बच्चे इस वजह से स्कूल आने से डरते थे, कोई टीचर का भय होता था, टीचर का डर होता था इस कारण से। तो ये बात की गई यहाँ पे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009-2010 में। हमने यहाँ पे इसके बारे में पढ़ा और इसकी मुख्य बिंदु पढ़ी और साथ में इसके उद्देश्य देखे और आखिर में निष्कर्ष लिखना बिल्कुल ना भूलें, कॉन्क्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई आप सभी के कमेंट्स को। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, नमस्कार।